आए थे वो चालाकी से, लेकिन अब चालाकी नहीं चलेगी। क्या चालाकी की इन्होंने? जो ईवीएम में जो उन्होंने घोटाला किए थे सबको पता है, सभी को पता है, सबको पता है, सभी को पता है। मेरा व्यक्तिगत आपसे क्वेश्चन है, अगर चुनाव होता है 2019 के अंदर तो क्या आप बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे ईवीएम? बैलेट पेपर से। तो बैलेट पेपर में कहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत खर्चा आता है, फिर क्या हुआ? जब ये एक महीने अपना वो जो अपना प्रचार करते हैं ये चुनाव पे, तो उसमें चुनाव क्यों कम करो, वोटिंग में ज़्यादा टाइम लगाओ, काउंटिंग में ज़्यादा टाइम लगाओ, चुनाव में बचाने में कम करो। तो ये पार्टियाँ क्यों नहीं अपील कर रही है, पार्टियाँ क्यों नहीं रोड पे आ रही हैं? कौन सी पार्टी? सब सत्ताधारी हैं, वो कहती है मुझे मिल जाए, वो कहती है मुझे मिल जाए। हमारे रामविलास पासवान जी लोटा सरकार है उनकी, वो जिधर जिधर सत्ता होती है उधर लुढ़क जाते हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में है, यूपीए में थे, अब एनडीए में। वो एनडीए में ही है, वो अभी तो एनडीए में ही है। चलो और बात करते हैं थोड़ा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता गाड़गांवलिया। सुनीता गाड़गांवलिया। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग यहाँ पर जो है हम अपने सामाजिक समरसता और अपने भीमराव अम्बेडकर जी के जो मेला है उसको सफल बनाने आए हैं, और अपनी उपस्थिति से जन जन में उन्होंने जो समाज के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके लिए जो इतना काम किया है, इतनी उनमें संवेदना थी, ना केवल दलितों के लिए। अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो दलितों के नहीं, उतने ही महिलाओं के भी नेता थे। जितनी संवेदना जो प्रसूति अवकाश के लिए अंबेडकर जी ने जो घोषणा की थी, वो आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के इवन एडहॉक टीचर को भी नहीं मिलता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमें एक नया अंबेडकर चाहिए, जो हमारे लिए काम करने के घंटे निश्चित करें। भीमराव अंबेडकर जी ने 18 घंटे से 8 घंटे काम निश्चित किए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें आज और एक नया अंबेडकर चाहिए, जो कि इस समाज के अंदर जो इतना असंवेदनशील बन रहा है। बात करिए, हमें एक नया अंबेडकर चाहिए, लेकिन आज बात इस बात की है कि अगर कोई भी महा सिंह पैदा हो तो मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। सही बात। मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल के अंदर ठेस है कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, बाबा साहब ने दवाई न होने के कारण अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी, लेकिन आज जो 4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और जो बाबा साहब के संविधान के तहत जीत कर आए हैं, वो जब दलितों पर अत्याचार होते हैं वो नहीं बोलते, क्या कारण है? ये जो अगर दलितों पे अत्याचार के लिए नहीं बोलते, तो मैं तो ये कहती हूँ कि उनमें भी बाबा साहब के ये इतना बड़ा मेला करना, और बाबा साहब के लिए जो लोग यहाँ पर तमाम जो लाखों में हजारों में जो आबादी आई है, ठीक है, ये यहाँ पर आके घूमने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप में दलितों पे अत्याचार होता है तो ये पूरी की पूरी आबादी वहाँ होनी चाहिए कि हम एक भी दलित पे अत्याचार नहीं होने देंगे, तो इतनी भीड़ का कोई फायदा है? अदरवाइज सिर्फ एक मेला करना, एक दिन उत्सव मना लेना और घर में आराम से बैठ जाना, उससे कोई हम जो है जो एक दलित क्रांति है वो नहीं ला पाएंगे। लेकिन सुनीता, ये तो बाबा साहब ने पहले ही बोला था कि भी ऐसे आडंबर रचने से अच्छा है कि जो मेरे बताए हुए रास्ते हैं, हाँ जी, उन पे लोगों को ज्ञान दो, उन पे चलाओ। बिल्कुल, बाबा साहब के रास्ते पे चलना जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन इस टाइप के मेला करके हम अपनी एकजुटता दिखाते हैं, हम अपनी संख्या दिखाते हैं, क्योंकि बाबा साहब का संगठन का भी बहुत जोर था कि संगठन बहुत जरूरी है और संघर्ष करें। अब संगठित तो हम हो गए हैं, अब संघर्ष करना बाकी है। तो मैडम, अभी जो दलितों की बात आई, दलित सांसदों की बात आई, बहुजन सांसदों की बात आई, क्या आप लोगों ने ऐसे सांसदों से प्रश्न करना बंद कर दिया है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं? रामविलास पासवान जी हैं, दास जी हैं, रामदास अठावले जी हैं, जब दलितों पर अत्याचार होते कोई भी नहीं बोलता है, ये नहीं बोलते, क्योंकि ये तो बोलते हैं ना कोई। देखिए कोई भी नेता हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि नेता के लिए दलित होना ही जरूरी है। सामान्य जो नेता हैं उनकी भी संवेदना दलितों के लिए होना चाहिए, क्योंकि संविधान जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था वो खाली दलितों के लिए नहीं लिखा था, आज वो भी उस संविधान के तहत काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ रामविलास पासवान जी को बोलना चाहिए, जितने भी हमारे और नेता हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए।